वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल निशु मावी लॉ विद मी। और आज मैं आ गई हूँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके, क्योंकि आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ कि अगर आप LLB कर रहे हैं तो आप एक अपना बेस्ट आंसर कैसे लिख सकते हैं, हाउ टू राइट अ बेस्ट आंसर इन LLB टू गेट मैक्सिमम मार्क्स। ओके, तो क्योंकि मैं खुद LLB कर चुकी हूँ, 2022 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ था BLLB, तो मुझे अच्छे से आइडिया है कि हमें कैसे आंसर करना चाहिए। और मुझे क्योंकि बहुत अच्छे मार्क्स LLB में मिले थे, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताना चाहूँगी, क्योंकि जब मेरा LLB का फर्स्ट ईयर था तो आई वॉज वेरी बहुत कन्फ्यूज में थी, मुझे समझ ही नहीं आता था कैसे लिखना है। इवन जो मेरा फर्स्ट सिटीज हुए थे उसमें मेरे बहुत ही ख़राब मार्क्स आए थे, क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था कि कैसे लिखना है। लेकिन फिर धीरे धीरे मुझे खुद समझ में आ गया कैसे आंसर करना है। तो आप लोग को ये तकलीफ ना हो, इसलिए मैं एक वीडियो बना रही हूँ कि आप लोग एक बेस्ट आंसर कैसे लिखें, ठीक है। तो इसको हम 6 स्टेप्स में बांट देते हैं, अपने आंसर को 6 स्टेप्स में। ये 6 चीज़ें आपके आंसर में ज़रूर होना चाहिए, तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, मतलब जितने अच्छे वो दे सकता है उतने अच्छे। हालांकि बहुत सारे मार्क्स तो उनको काटने होते हैं, लाइक वो फॉर एग्जांपल 50 मार्क्स का, तो 50 आउट ऑफ 50 तो वो नहीं दे सकते, लेकिन आपको 40 और 35 मार्क्स डेफिनेटली मिल जाएंगे। तो हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हमारा कोई भी क्वेश्चन होता है, तो सबसे पहले हमको उसका इंट्रोडक्शन देना होता है, राइट। इंट्रोडक्शन में क्या इंट्रोडक्शन देना होता है, तो इंट्रोडक्शन में हमें बताना होता है, अगर हमारे पास उस चीज़ को लेकर कोई कोटेशन है। फॉर एग्जांपल कई बार हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई चीज़ लिख रहे हैं और हमने उसके बारे में कभी कोई पढ़ा हो, किसी बहुत फेमस पर्सन की कोई कोटेशन, उसने उसके बारे में कुछ कहा हो, तो हम आंसर लिखने से जैसे हमारा आंसर शुरू होगा, तो हम उस कोटेशन को बिगनिंग में डाल सकते हैं, हम कोटेशन के साथ स्टार्ट कर सकते हैं और लास्ट में जिसकी वो कोटेशन है उसका नाम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वो भी कोटेशन कोई याद नहीं आ रही है, तो आप एक जनरल इंट्रोडक्शन उसके बारे में दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि क्वेश्चन है व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो आप डायरेक्टली लॉ का प्रोविजन उसमें ना डालें, ठीक है, क्योंकि वो एक अच्छा आंसर नहीं माना जाता। सबसे पहले आपको बताना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, और कॉन्ट्रैक्ट भी इस तरह नहीं कि हमारा सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट उसके बारे में क्या कह रहा है, नहीं। सबसे पहले आपको बताया कि कॉन्ट्रैक्ट है क्या। हम आप इस तरह शुरू कर सकते हैं कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारे डे लाइफ में बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, इसी तरह, मतलब एक जनरल से उसके बारे में बात बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप हो गया उसका जनरल इंट्रोडक्शन। दूसरा आता है उसका, मतलब आप इंट्रोडक्शन 4-5 लाइन का लिख सकते हो, ठीक है। और दूसरा आपका स्टेप आता है डेफिनेशंस का। डेफिनेशन में भी क्या कि अगर किसी फेमस जुरिस्ट की डेफिनेशन आपको याद आ रही है कि हाँ उसने ये पर्टिकुलर डेफिनेशन बहुत अच्छी डेफिनेशन है, तो आप वो डेफिनेशन लिख सकते हो, ठीक है। मतलब डेफिनेशन तो आप दो तीन डेफिनेशन भी मेंशन कर सकते हो नाम के साथ साथ, कि डेफिनेशन किसने दी थी या ये लॉ के कौन से प्रोविजन में आती है। तो सबसे पहले आप किसी जुरिस्ट की डेफिनेशन लिख सकते हो। दूसरे नंबर पर जिस पर्टिकुलर लॉ का आप लिख रहे हो, जैसे मैंने अभी बात करी थी कि हम लिख रहे हैं व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट, तो हम अब कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन डालें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में उसकी क्या डेफिनेशन है, स्पेसिफिकली डेफिनेशन क्लोज में उस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में क्या है, वो आपको जरूर मेंशन करना चाहिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट की बात है, तो आप जरूर डालें कि 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से दिस 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 एक्सेट्रा, ठीक है। तीसरी चीज, तो पहले आपने किसी जुरिस्ट की डेफिनेशन डाल दी, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपने उस पर्टिकुलर लॉ में ही उस बारे में क्या क्या डेफिनेशन दी गई है, उसके इंटरप्रिटेशन क्लोज में आपने वो डेफिनेशन डाल दी। तीसरी बात, अगर उस पर्टिकुलर चीज की बात किसी अदर लॉज में भी की गई है, जैसे अक्सर हम टॉर्ट में देखते हैं कि टॉर्ट क्या होता है हमने बता दिया, फिर सामन क्या कह रहे हैं हमने बता दिया, फ्रेजर क्या कह रहे हैं हमने बता दिया, फिर हम साथ में डालते हैं लिमिटेशन एक्ट का सेक्शन 2M क्या कहता है, तो हम वो भी डालते हैं। तो इस तरह आप जरूर मेंशन किए, इससे आपके क्वेश्चन को बहुत एज मिलने वाला है। तो डेफिनेशन में क्या क्या आ गया कि किसी जुरिस्ट की डेफिनेशन, तो हम सबसे पहले वो लिख देंगे। दूसरे नंबर पे वो लॉ ही उसके बारे में क्या कहते हैं, वो उस पर्टिकुलर जो स्टैट्यूट है उसमें उसकी डेफिनेशन इंटरप्रिटेशन क्लोज में कौन से क्लोज में है, कौन सी चीजें हैं, वो सब आपको मेंशन करनी है। तीसरे नंबर पे अगर किसी अदर लॉ में उसकी डेफिनेशन है, तो आप उसको भी मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारी 2 चीज़ें हो गई। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देख लिया, सबसे पहले इंट्रोडक्शन डाल दिया, उसके बाद डेफिनेशन डाल देंगे। डेफिनेशन आप 3-4 लिख सकते हो बहुत आराम से, बहुत जितने डेफिनेशन आप लिखेंगे उतना अच्छा है। तीसरे नंबर पे हम तीसरी चीज़ हम डाल सकते हैं अपने क्वेश्चन में, उसके सेलेंट फीचर्स डाल सकते हैं, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है। जैसे हमने डाल दिया कि कॉन्ट्रैक्ट क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक एग्रीमेंट है जो सेक्शन 2H में है, कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती हैं, ऐसे छोटी छोटी आप चीज़ें उसके बारे में बता सकते हो तोड़ तोड़ के। दूसरी चीज़ आप उसमें थोड़े उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हो, मतलब सेलेंट फीचर्स बता दो या कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें से एक ही चीज़ बताना, दोनों चीज़ें नहीं, क्योंकि वो ये ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है। और आप उसके साथ ही में मेरिट्स या फिर डिमेरिट्स भी बता सकते हैं, मतलब अगर आप बताते तो आपका क्वेश्चन अच्छा हो जाएगा और उसको काफ़ी एज मिलने वाला है। 3 चीज़, इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, सेलेंट फीचर, कैरेक्टरिस्टिक्स, डिमेरिट्स या फिर डिमेरिट्स। 4th नंबर पे आपको डालने होते हैं आप पर्टिकुलर उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, पूरे जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसके बारे में मेन मेन क्या चीज़ें हैं, जैसे कि
उसके कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या होते हैं ये आप ज़रूर मेंशन करें, मतलब उस चीज़ से रिलेटेड जो भी आपकी पर्टिकुलर लॉ में चीज़ें बताई गई हैं उस चीज़ को आप ज़रूर मेंशन करें, ठीक है। तो तीसरे नंबर पे लॉ क्या कहता है उसके बारे में। पांचवी चीज़ में आप केस लॉ ज़रूर डालें, ठीक है, एटलीस्ट फेमस केस तो आपको डालनी है। जैसे अगर आप बात करो माइनर कॉन्ट्रैक्ट की और आपने मोहरी बीवी का ही केस नहीं डाला तो आपका मुझे नहीं लगता कि एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करते हुए बहुत खुश होने वाला है, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि केसेस तो आप डाल दें, 3-4 केस डालें बहुत बढ़िया है, अंडरलाइन कर करके डाल दें, लेकिन साथ ही साथ आप फेमस केस डालना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर आपने फेमस केसेस नहीं डाले हैं तो आपका आपकी आपको डेफिनेटली बहुत ही कम नंबर मिलने वाले हैं। तो आपकी फिफ्थ चीज़ हो गई है कि आपको केस लॉ ज़रूर 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 मेंशन करने ही है, एटलीस्ट फेमस केस तो आपको करनी है, बाकी आपकी अगर आप और केसेज आते हैं तो वेल एंड गुड। अब आपकी लास्ट चीज़ आती है सिक्स, कंक्लूजन। आप कंक्लूजन ज़रूर मेंशन करें कि आपने पांचों चीज़ों को डालने के बाद अब इसका फाइनल क्या कंक्लूजन निकलता है, और आपका क्वेश्चन एक बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं तो यही सेम चीज़ ट्राई करती थी और मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं, मैं और मेरी फ्रेंड ही अपने बैच के टॉपर्स भी रहे हैं। तो मैं मतलब मेरी वीडियो बनाने का यही मोटिव है कि आप लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज ना हो और ये 5-6 चीज़ें डाल के आपका एक परफेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कुछ भी ऐसी चीज़ छूट गई है जो आपको अपने क्वेश्चन में डालने की ज़रूरत है, ठीक है। और हाँ, मैं क्या काम करती थी, मैं एक स्केच लेके जाती थी और जेल पेन, और मतलब क्योंकि हम कल ब्लू ब्लैक पेन ही यूज़ कर सकते हैं, तो मैं एक स्केच लेके जाती थी ब्लैक वाला, एक स्केल लेके जाती थी, और जो भी मुझे लगता था तो जैसे केस लॉज में डाल रही हूँ तो मैं अंडरलाइन कर देती थी, हाईलाइट कर देती उन केस लॉज को। साथ में कुछ मुझे लगता था कि मैं अगर बॉल पेन से लिख रही हूँ अपना आंसर तो मुझे लगता कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो मैं उसको जेल पेन से थोड़ा बड़ा करके लिख देती थी। मतलब मैं थोड़ी क्रिएटिव थी, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग बहुत, मैं स्पीडली लिखती हूँ तो मैं मेरा काम नहीं पड़ जाता था, तो मैं लास्ट अपना टाइम इसी चीज़ को देती थी अपनी कॉपी को सजाने में, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आप फॉर एग्जांपल आप जैसे मैंने भी बात करी कि आप टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिख दो, मतलब अगर आप कुछ भी चीज़ बना रहे अपने डाल रहे हो, फॉर एग्जांपल आप एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट डाल रहे हो, तो अगर आप चाहो तो आप उसके लिए डायग्राम भी बना सकते हो, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऊपर कॉन्ट्रैक्ट लिखा उसमें कि इसका ऐसे ऐसे आपने अलग अलग डायग्राम्स बना दिए कि एसेंशियल्स क्या होते हैं, दो पार्टीज होनी चाहिए, कंसिडरेशन होनी चाहिए, उसके आप डायग्राम्स बनाओगे तो वो और खुश हो जाएगा, उसको बेचारे को मेहनत भी लगेगी बहुत सारा पढ़ने के लिए और उसको फटाफट समझ में आ जाएगा कि अच्छा आपको बहुत अच्छे से मालूम है। और हाँ, क्योंकि आप लॉ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें सेक्शंस ज़रूर मेंशन करें, ठीक है, क्योंकि एलएलबी में वो बहुत रॉकेट साइंस वाले क्वेश्चंस तो नहीं पूछते, बहुत सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछते हैं, और जब हम लॉ पढ़ते हैं तो हमें समझ में आ ही जाता है कि इसमें से कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो उनके हमें सेक्शंस ज़रूर याद करने चाहिए। अगर आप अपने सेक्शंस मेंशन नहीं करोगे तो आपका एक अच्छा आंसर बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आप सेक्शन ज़रूर मेंशन करें, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, एलएलबी तो वैसे ही बहुत बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है, बहुत आराम से हो जाती है, तो आप अच्छे अच्छे से अपने एलएलबी के आंसर्स लिखें और आपकी अच्छे मार्क्स आएं, यही मेरी विश है, गुड लक। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपको कुछ समझ में आया जो मैंने बताया है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन प्लीज़, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।